हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने जाने वाला हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को डिकोड करते हैं। रीजनरेटिव का मतलब री मतलब फिर से, रिपीट। जनरेटिव मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को पैदा करना। जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसी तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में हमारी कार या टू व्हीलर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हमारी बैटरीज में जाके स्टोर होती है। तो ये प्रोसेस में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, मैं ज़्यादा साइंटिफिक और फिज़िक्स के टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, डीप में नहीं, ऊपर ऊपर के छोटे मोटे टर्म्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा जो सपोर्टिंग में लगेगा। तो सबसे पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं हमारे फोर व्हीलर या टू व्हीलर में, तो जो ब्रेक शूज होते हैं वो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होते हैं कि वो टायर से घसटते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्टॉप करने के लिए। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे टायर्स में थी, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फ्रिक्शन के वजह से, घसटने के वजह से, हीट एनर्जी में। अब ये घसड़न जो फ्रिक्शन होता है वो एक तो शूज़ के वजह से होता है, ब्रेक शूज़ के वजह से, दूसरा टायर के साथ भी, रोड के साथ भी फ्रिक्शन होता है। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो टोटली वेस्ट हो जाती है। अब एक छोटा सपोर्टिंग लॉ जो मैं फिजिक्स का बताने जा रहा हूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे टायर में वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ टायर के साथ, ब्रेक शू और रोड के घसटने के वजह से। तो ये हीट एनर्जी का हमने कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हमारे व्हीकल्स में होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे होता है? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, नॉर्मल आइस इंजन्स वाले, इंटरनल कंबशन इंजन्स जो पेट्रोल वाले या डीजल वाले हैं, उसमें जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इंजन डिसंगेज हो जाता है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है टायर्स के अंदर, वहाँ पे एक छोटा जनरेटर होता है, वो जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को व्हील्स के कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर देता है हमारी बैटरीज में, हमारी गाड़ी के बैटरीज में। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर हो जाती है वो किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे गाने सुनने के लिए, चाहे वो हेडलैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए, या अपने मोबाइल चार्ज करने, इन शॉर्ट किसी भी काम के लिए वो यूज़ हो जाती है। अब ये तो हो गई आइस इंजन के बारे में, इंटरनल कंबसन इंजन के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले उनका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। वहाँ पर बैटरी होती है, बैटरी के बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद में मोटर, और मोटर कनेक्ट हो जाती है टायर्स के साथ। अब बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कंट्रोलर कंट्रोल करता है, और वो बैट कंट्रोल करके वो मोटर को देता है, मोटर को उसके अकॉर्डिंग जितनी वहाँ से एनर्जी आती है उसी तरह से उसकी स्पीड अप एंड डाउन होता है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मोड वन, मोड टू, मोड थ्री या कुछ भी बोलो, बहुत अलग अलग कैटेगरीज दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सिटी मोड हो गया, फिर एक्सप्रेस मोड हो गया, ओके, बहुत सारे मोड्स हो जाते हैं। तो वो मोड्स क्या होते हैं, वो कंट्रोलर जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है मोटर को उसके अकॉर्डिंगली वो मोटर उतना व्हीकल को फास्ट चलाती है। तो बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, उसके बाद में टायर, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल गाड़ी में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये जो मोटर है वो जनरेटर की तरह बिहेव करती है, और सेम जो व्हीकल की जो काइनेटिक एनर्जी है जो गोल घूम रही थी उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद वो बैटरी में जाके स्टोर हो जाती है, और वहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ये जो बैटरी जो स्टोर होती है वो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक और फ़ायदा होता है कि
कि वो यही एनर्जी को वापस से टायर को रोटेट करने में भी यूज़ करती है। तो देखिए कितना सिंपल चीज़ है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से कितना फ़ायदा होता है। तो कोई भी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं होती है। हमारे पेट्रोल डीजल में केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी जब बर्न होता है तो उससे इंजन उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो काइनेटिक एनर्जी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उससे वापस से वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वापस बैटरी में स्टोर हो जाती है। ये सिंपल चीज़ है आइस इंजन के लिए। तो ये आज के वीडियो का कंटेंट था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते जाए। बाय, टेक केयर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स।